किस तरीके से देखते हैं आप 2023 में क्या होने वाला है, क्या ऐसे हालात आपको नजर आएंगे या फिर कांग्रेस को पूर्ण बहुमत मिलता हुआ नजर आएगा? देखिए, अभी हाल फिलहाल ये स्थिति नहीं बताई जा सकती, क्योंकि मैं 11 तारीख को मैंने जब 2023 को जब देखा उस दौरान की स्थिति पे कांग्रेस सरकार बनाती हुई दिख रही थी। मैं उसी आधार पे बोल रहा हूँ, मैं किसी भी पार्टी का या किसी भी नेता का मैं चाटुकार गुरु नहीं हूँ। मुझे समझ में जो आता है मैं वो बताता हूँ और यही मेरी पहचान है। ठीक, आपने देखा हो मैं कभी भी किसी भी नेता के पक्ष में नहीं बोलता हूँ, न खिलाफ में बोलता हूँ। जो पर्चे में आता है वो बताता हूँ, चाहे उसमें अच्छा लगे या बुरा लगे। ठीक है, आखिरी सवाल, कई बड़े नेताओं को मैदान में उतारा है बीजेपी ने, उन बड़े नेताओं को लेकर आप कुछ कहना चाहें, क्योंकि कई प्रत्याशियों के बारे में आपने कहा, जैसे जीतू पटवारी 40,000 वोटों से जीत रहे हैं आपने कहा था। नहीं, यदि पर्चे में हमने लिख के दिया है तो इसमें मुझे अपने पर्चे पर किसी भी प्रकार का कोई संदेह नहीं है। जी, हम जो लिखते हैं वो अपनी तरफ से नहीं लिखते, जो मुझे हनुमत प्रेरणा मिलती है, जो मेरे पूज गुरुदेव की अनुभूति होती है मुझको, तो उसके आधार पर लिखता हूँ। वो गुरु वाक्य है और जो गुरु वाक्य कभी कटता नहीं है, जो लिख के दिया है उसके लिए मैं 101% में बाध्य रहता हूँ कि हमारे जो पर्चे में लिखा वही होगा। ठीक है, ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद महाराज जी जुड़ने के लिए, आप अपना कीमती समय हमको देने के लिए महाराज जी बहुत शुक्रिया आपका। तो पंडोखर महाराज ने बहुत बड़ा दावा किया है News18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में कि मध्य प्रदेश में और छत्तीसगढ़ में दोनों ही राज्यों में कांग्रेस सरकार बनाने जा रही है। बहुत बड़ा दावा है पंडोखर महाराज का। बुलेटिन में इतना ही, नमस्कार।